राम राम सारी बहना ने और सतन सहेलियां ने। अपने चैनल को नाम है भजन इंदिरा के, कोई बेड़ा नहीं जुड़ियो सब्सक्राइब करियो, क्यों कथा नई कथा कहानी बर्त बड़ूली जानकारी मिलती रहेगी और अपना साथ बने रहेगो। आज थाने मैं अमर कथा सुनाऊंगी शंकर भगवान की, क्योंकि रक्षाबंधन को त्यौहार है और आखिरी सोमवार है। सारी बेड़ा व्रत करिया पर कथा सुनी और सोमवार की सुनी और शिवरात्रि की भी सुनी और अमर कथा कौन सुनी, तो आज आखिरी सोमवार है, सावन उतरेगो, जरूर सुनियो बहनों। तो आपने पति की लंबी उम्र हुए और कुआरी किन्या सुने तो शंकर भगवान वर्गा वर मिले और राम वर्गा वर मिले और कृष्ण भगवान वर्गो वर मिले, जिसो चाहिए मन से फल जरूर मिले। तो सारी बहना आ कथा अमर कथा जरूर सुनियो और दो चार तो आपको आगे शेयर जरूर करियो आपने। तो एक दिन पार्वती माता पूजा पाठ करता भगवान की, तो ताज़ा फूल लिया गए है चढ़ाता, तो बाग में जावे आपका हाथों फूल लियावे, तो फूल तोड़ने गए आज राह के माँ नारद जी मिल गया। नारद जी मिल गया, बोलिया नारायण नारायण आपका देवी, अब बोले महाराज भगवान की पूजा पाठ करूँ और मैं लियाऊँ का फूल तोड़ गए, तो बोले कह फूल तोड़ गए तो लियाओ माता भक्ति भलाई करो, पर आप ये कि मरण जीवन का चक्करों क्यों कौन थे, भगवान शंकर थारो मुक्ति हूँ लारो भी दिरावे, थाने भगवान छुटकारो क्यों कौन दिरावे थे, तो 108 बारी जन्म ले लिया और मर लिया है शंकर भगवान सागे ब्याह कराए रंग सागे ही रहनो, ऐ तो आप है अमर यार, आने अमर कथा सुन लियो आप, तो थे अमर कथा सुनोगा तो थारी थे आप ही अमर हो जाओगा। बोली महाराज मन ठाई को नहीं हो, बोले भगवान अमर कथा जाने शंकर भगवान है ऐसे सुन लियो थे अमर हो जाओगा। तो पार्वती माता तो सुन गए नारद जी की बात, नारद जी तो ऐन हृदय में बिठा दी बात है, बोली देख कितना साल ब्याह ही न हो गया, शंकर भगवान इतनी बात छुपा के रख लिया जान दे बोला कनक, तो शंकर भगवान आया इंतजार करे भी आवे वो कुछ सी बोलो बना सागे गेड़ो शंकर भगवान तो फिरे तस्मी लगाई आ गया आ गया। बोले पार्वती भोजन बना दियो गए, बोले महाराज भोजन तो बना लियो जिमो जिमाज उठा गए। पार्वती माता बोली कहते तो अमर कथा जानो, मन अमर कथा कौन सुनाई, आप तो अमर हो रहे हो और मन मरण जीने का चक्कर में घेरा किए थे, मैं आप अमर होंगे मन कथा सुनाओ। बोल देवी कण के दियो तने नारद जी तो कौन आया क्या आज का, हाँ नारद आयो मैं फूल तोड़न जाई बाग गए माँ पूजा कराई भगवान की, तो मैंने सामने मिलियो है नारद जी, मैंने कहो कि अमर कथा जाने शंकर भगवान, तो शंकर भगवान तो करे भी नारद जी का ही काम, नारद जी तो इलाह ने कह दियो और इलाह ने भड़का दिए तो सारा ने अवसरी में। तो बोलियो कमर कथा तब तो रात होगी दिन का तने सुनाऊंगा, अभी जान भूल जे ली दिन गई शंकर भगवान करियो भी अब तो अंधेरो हो गयो क्या। बोली ठीक है, तो दिन उगता ही नहा दोगे पार्वती, बोली चलो महाराज अमर कथा सुनाओ मैंने। बोली कह अमर कथा पार्वती यहाँ कौन सुनाई जाए, कट्ठे ही कोई ना आप चलना बावनी उजाड़ में जंगल में कट्ठे ही बैठे जी जंत कोई ना हो फिर मैं तने सुनाऊँ, यहाँ तो फिर सारा ही अमर हो जाए कह। बोली चलो महाराज आसन लगा के पार्वती माता पेड़ के नीचे कोई जंगल के वहाँ जाके बैठ गई, बैठ गई शंकर भगवान कथा सुनाओ, इन्हें भी ने देखा भी कोई जीव जंत ना हो तो शंकर भगवान मारी लल कर, तो सारा जीव जंत सब उड़ गया उड़ गया। तो एक कोई तोतो भी हुआ जो को अंडो आलने वहाँ वो रह गयो, जानवर उड़ गया तो वो अंडो तो रह गयो जब आप शंकर भगवान बोले मैं कथा सुनाऊँ पार्वती सुन तू, तो पार्वती मत कथा सुनावे और शंकर भगवान कथा सुनावे, पार्वती माता कथा सुने ध्यान लगा दियो पार्वती माता कथा में, सुनता सुनता पार्वती तो नींद आ गई तो वो जो अंडो माओ निकल गए तो सुखी हो सुखी मुन्नी हो वो मिमो नाम अरे वो तो बैठ कर कथा सुन लग गयो करा लगावे भी बहन देख ली पार्वती माता तो नींद आ गई तो वो करे पार्वती माता हूँ करे करती नींद आ गई तो वो ही कहे यहाँ करे, तो शंकर भगवान तो कथा पूरी होगी, पार्वती जागी तो पगाम पड़ गई, बोली महाराज आगे की हुई हो, बोली कथा कण सुनी तो, बोली मन तो महाराज नींद आ गई पग पकड़ दिया माफी दियो यार मन ठा कौन थारी कथा कण सुनी, तो बोली हूँ कारो कण दिए भाई तेरे लबर गोई दियो कह तो शंकर भगवान देखने लग गया तो वो तो उड़ गयो तो तिर से उड़ ले लारे बाजा तो आप वो तो वेद व्यास की पत्नी अच्छी लंबी चौड़ी कोई पेड़ के नीचे बैठी उबासी ली तो भी गर्भ में
समा गयो जद अब फिर ब्याह जिया गिर बोलिया महाराज थे हंसया अठ आ जिया क्या बोलिया वो तेरा गरी पत्नी है अभी हमा एक तो वो मरख था सुन गिर गर्भ में समा गयो कह बस सीली बने तो बोले महाराज आपकी अमर कथा सुन ली अब थोड़ी वो मरे थारू कौन मरे क्यों कौन मरे वो तो अमर हो गयो तो शंकर भगवान आप वो अटिक्या तो वो क्या बार है वो शंकर भगवान रहे इतने बाद में जगो बने विवेद व्यास पत्नी के गिरे अर वो जलम लियो अभी वो नाम कटाए सुखी मुनि अर बने जगे अमर कथा शंकर भगवान करूँ सारी सुनेड़ी अर वाह सारा सुनाई आए अमर कथा जो भी अमर बो यो नी भी यही कथा सुने और सुनावे और कवे और कह रू कारा लगावे बस सही भाई भगवान कह अमर हुए लंबी उम्र हुए तो आ अमर कथा जरूर सुनियो सावन की सारी बहना और भाई कोई सुनो अमर कथा सुने तो मन सा फल पावे और शंकर भगवान पार्वती माता तो बहुत ही प्रसन्न हुए अमर कथा तो एक दक्षिणा जरूर दियो मैंने कथा सुन के दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और मेरी दक्षिणा है सब्सक्राइब कर दियो आगू आगे शेयर दो चार आना है जरूर कर दियो जय श्री कृष्णा राधे राधे कथा किसी की लागी जरूर बताइयो बहनों।